इस बार शनि जयंती 6 जून 2024 के दिन मनाई जाएगी। शनि जयंती का दिन शनि देव को समर्पित है। इस दिन शनि देव की आराधना की जाती है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन उनके भक्ति कई तरह से प्रयास करते हैं। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया कि शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। शनि देव को न्याय के देवता कहा जाता है। इस दिन उनकी कृपा पाने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शनि जयंती पर भक्त शनि देव से अच्छे बुरे कर्म करने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए जानते हैं इस दिन हमें किस प्रकार पूजन करना चाहिए, जिससे शनि देव का आशीर्वाद हम सबको मिल सकता है। शनि जयंती का पर्व जो है, यह पूर्ण रूप से शनि देव को समर्पित है और शनि महाराज न्याय और कर्म के देवता कहे जाते हैं। छाया और सूर्य के पुत्र हैं शनि महाराज, और शनि जयंती के दिन भगवान शनि की आराधना करने से हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो कष्ट हैं उन कष्टों से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है उस दिन शनि जयंती मानी जाती है। भगवान शनि का जन्म दिवस जन्मोत्सव माना जाता है। यह योग इस बार 6 जून 2024 के दिन हो रहा है, अर्थात 6 जून 2024 के दिन शनि जयंती है और इस दिन हमको शनि जयंती का यह जन्मोत्सव मनाना चाहिए। न्याय के देवता हैं, कर्म के कारक हैं, सेवा के कारक हैं शनि देव, और इस दिन विशेष शनि जयंती के दिन विशेष हमको पूजन पाठ हवन इत्यादि करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी जन्म कुंडली में जो शनि के दोष हैं, हमारी जन्म कुंडली में जो शनि खराब है या हमारी राशि पर शनि की ढैया या साढ़े साथी चल रही है, तो इन सभी से हमको शुभ फल की प्राप्ति होती है। शनि जयंती के दिन यदि हम दान पुण्य हवन इत्यादि करते हैं और शनि देव का विशेष पूजन आराधन हम करते हैं, तो शनि की जो भी क्रूर दृष्टि है, दुष्ट दृष्टि है, इनसे हम बच सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि दोष है या आपका शनि खराब है, तो आपको हम यह जो उपाय बतलाने जा रहे हैं, यह उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित ही शनि के द्वारा आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में मंगल होगा, आपके जीवन में शुभ होगा। शनि मंदिर में जाकर के शनि जयंती के दिन सरसों के तेल में काले तेल मिलाकर के हमको शनि महाराज का अभिषेक करना चाहिए, या तिल के तेल से शनि भगवान का हमको अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जो भी हमारे प्रारब्ध में संकट है, कष्ट है, दोष है, उन सब की निवृत्ति होती है। तिल के तेल से भगवान का अभिषेक करें। इसके अतिरिक्त शनि जयंती के दिन हमको जो शनि का दान कहा गया है, एक काले वस्त्र में काले तिल, काले उड़द, कोयला, एक लोहे का टुकड़ा और तिल का तेल रख करके, इसके साथ ही साथ हम जूते या चप्पल, छाता या कंबल भी इसके साथ रख सकते हैं। ऐसा दान सामग्री को एकत्रित करके हमको दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी शनि के द्वारा हमको शुभ फल की प्राप्ति होती है। शनि चालीसा का पाठ करें या किसी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा शनि के जो प्राणोक्त मंत्र हैं या जो वेदोक्त मंत्र हैं, उन मंत्र का जप करवा करके उन मंत्रों का दशांश सहित हवन करें। ऐसा करने से भी शनि के अशुभ प्रभाव से हम बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त शनि देव के दुष्प्रभाव को रोकने का प्रभाव जो है वह हनुमान जी महाराज में है, इसलिए शनि जयंती के दिन हमको हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का 108 पाठ भी हमको करना चाहिए। ऐसा करने से भी हम शनि के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। शनि जयंती के दिन या प्रत्येक शनिवार को जिनका शनि खराब है, शनि के द्वारा जिनको अशुभ फल की प्राप्ति हो रही है, ऐसे जातकों को एक लोटे जल में दूध और काले तिल मिलाकर के पीपल के पेड़ में जड़ की ओर चढ़ाना चाहिए और पीपल की 21 परिक्रमा लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी शनि के द्वारा हमको शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ हम काले कुत्ते को रोटी में सरसों का तेल या काले तेल या तिल का तेल लगा करके भी यदि हम काले कुत्ते को खिलाते हैं, तो शनि की जो अशुभ दृष्टि है वह समाप्त होती है
और उड़द की दाल से बनी वस्तुएं या उड़द की दाल से बनी जो इमरती रहती है वो शनि महाराज को भोग लगाना चाहिए, इससे शनि महाराज जो है प्रसन्न होते हैं।